करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चला, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मेजर शाह, बताइए, क्या पुतिन अपना जो ब्रीफकेस है, जिसको न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहते हैं, जिसको अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, क्या वो बटन दबा सकते हैं पुतिन? क्योंकि बहुत आजकल उस ब्रीफकेस के साथ दिख रहे हैं पुतिन, और ये जो तस्वीर मेरे पीछे चल रही है, ये इसी वजह से आजकल चर्चाओं में है। रोहित भाई, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल बात करूंगा ताकि हर एक को समझ में आ जाए। देखिए, दिवाली पे हम ताश खेलते हैं, जब हम हार रहे होते हैं, हम ताश के पत्ते खत्म हो रहे होते हैं, हमारे पास एक कार्ड बचता है, वो होता है ट्रम्प कार्ड। वो हम इस्तेमाल नहीं करते, बचा के रखते हैं कि अब जब मौका मिलेगा तब उसका इस्तेमाल होएगा। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक वेपन्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, जो एटम बॉम्ब होते हैं, जो घातक परमाणु हथियार होते हैं, वो हम तब इस्तेमाल करेंगे, अपने पास रखे हुए हैं। हमारी कोशिश और उम्मीद ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए, लेकिन रखे हुए अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश को सुपर पावर होने के लिए या तो अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री, न्यूक्लियर, ये सब ताकत दिखानी पड़ती है। अब रूस जो है वो हर जगह से, मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं चीन को घेर लिया, उसने यूक्रेन को घेर लिया, रूस को दुनिया ने घेर लिया, रूस को दुनिया ने घेर लिया, क्योंकि रूस के पास कोई चारा नहीं रहा। हर जगह से सैंक्शन लगा रखे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम वीजा नहीं देंगे, हम ट्रेड काट लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब रूस के पास चारा क्या रहा है? वहां पे ऑन द अदर हैंड जैवलिन मिसाइल अमेरिका दे रही है यूक्रेन को। जैवलिन मिसाइल के दो वॉरहेड होते हैं कि जब हवा में आके फायर करता तभी उनके पूरे टैंक नष्ट कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी होती है, पूरे टैंक नष्ट हो रहे हैं इनके। इनके 5 मेजर जनरल शहीद हो गए। अब चारा क्या बचा है? स्ट्रेटजी अपनी रणनीति बदल लेगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो जेब में रखने के लिए है, वो तब इस्तेमाल करेंगे। आप FD तोड़ते हैं ना, FD हम बचा के रखते हैं बैंक में, FD कब तोड़ेंगे हम? जब हमें बिल्कुल हम गिर गए, हमें मौका आ रहा है। उसी तरीके से बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। कई लोग शर्माएंगे, कई एनालिस्ट शर्माएंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, इसके लिए ये कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई की बात ये है, अगर वो घिर जाए तो क्या करेंगे लॉजिकली? तो जी हाँ, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने धमकी भी दी है और तैयारी भी है इनकी, इसके इस बात को हल्के में ना लिया जाए। देखिए मेजर शाह, ये हाथी के दांत हैं जो इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं पुतिन, ये हाथी के दांत हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ देखो चमड़े का बैग है, इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं, रूस में हम इसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहते हैं, ये है हमारे पास, लेकिन चलाएंगे वो नहीं, सिर्फ दिखा के डराएंगे। आपने बिल्कुल 100% 100% सही फरमाया रोहित भाई। ठीक है मेजर साहब।